क्या आप मुझे आगे तक के लिए लिफ्ट दे सकते हैं? एक्चुअली मैं बहुत देर से लिफ्ट मांग रही हूँ, बट यहाँ कोई रुक ही नहीं रहा है। यस श्योर। थैंक यू सो मच। वैसे आपको जाना कहाँ है? आपको कहाँ तक जाना है? राव साहब का महल है यहाँ से थोड़ी दूर पर, वहाँ मेरे डैड का फार्म हाउस है, मैं बस वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे भी वहीं जाना है। आई मीन मतलब वहीं राव साहब के महल के पास ही एक नर्सरी है, तो वहीं जाना है। वैसे आपका नाम? ओह हाँ, मैं अपना इंट्रो देना तो भूल ही गया। मायसेल्फ विवान शर्मा। और सब बढ़िया? तुम्हारा नाम क्या है? दिव्या। अरे वैसे आपको राव साहब के महल के बारे में पता है? आई मीन वहाँ से जाते हुए डर नहीं लगेगा आपको? हाँ पता तो है, लेकिन मैं भूत भूत पर बिलीव नहीं करता। अच्छा, बट वहाँ की जो स्टोरी है ना वो रियल है, अगर आप सुनना चाहो तो मैं आपको बता सकती हूँ। जरूर, बोर होने से अच्छा तो स्टोरी सुन देता हूँ। तो सुनो। सुनो। एक समय की बात थी, राव साहब अपने महल में अपनी वाइफ शीतल बाई और बेटी के साथ खुशी खुशी रहते थे। वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने तो अपनी बेटी को बचपन से तलवारबाजी भी सिखाई थी। एक बार राव साहब एक युद्ध में गए थे, और उनका युद्ध जिस राजा के साथ था ना, उन्होंने उसे हरा दिया और उसकी तीनों बीवियों को महल लिया है। ऐसा कुछ भी था क्या? पहले पूरा तो सुनो। तो ये बात शीतल बाई और उसकी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जाहिर सी बात है, किसी की बीवी को पसंद नहीं आएगी। राव साहब उनकी तीनों बीवियों की वजह से शीतल बाई और उसकी बेटी को नौकरों की तरह रखने लगे, उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगे, और समय के साथ साथ उनकी दूरियां भी बढ़ती गई। राव साहब की तीनों बीवियों में से एक का नाम गंगा था, और गंगा का एक बेटा था चंदन। चंदन ने दिव्या के साथ बुरा करने का सोचा, लेकिन दिव्या को बचपन से तलवारबाजी आती थी, तो उसने चंदन को घायल कर दिया। और ये बात राव साहब और उनकी तीनों बीवियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। राव साहब ने उनकी लड़की को महल के बीचों बीच जिंदा जला दिया, और जब उसकी माँ शीतल बाई उसे बचाने आई तो उसे भी उस आग में फेंक दिया, और तब से ही दोनों बदले की आस में भटक गए। और पता है लोग क्या कहते थे? क्या कहते थे? उनकी लड़की बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल मेरी तरह। उसकी आंखें भी बिल्कुल मेरी तरह, उसकी आवाज भी बिल्कुल मेरी तरह, उसकी बातें भी बिल्कुल मेरी तरह, और उसके बाल भी बिल्कुल मेरी तरह, और उसका नाम वैसे क्या था? उसका नाम दिव्या। क्या? अरे तुम तो सच्चे में सीरियस हो गए, डर गए। यार भले ऐसा भी कोई मजाक करता है भले। इससे मुझे प्यास लग रही है, पानी है क्या आपके पास? यार मेरी गाड़ी में तो नहीं है, वहाँ एक दुकान है, मैं वहाँ से लेके आता हूँ। ठीक है। क्या मेरी कार? वो लड़की को देखा? मेरी कार। नशेड़ी कार चोर है वो। मेरी कार।